नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1988 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म महावीरा के बारे में और जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फिल्म महावीरा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 15 जुलाई सन 1988 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्माण आर्यम कला प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। फिल्म के निर्माता हैं रतन मोहन। फिल्म की कहानी लिखी है नरेश सहगल ने और फिल्म को निर्देशित भी किया है नरेश सहगल ने। फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे राजकुमार, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, विनोद मेहरा, डिंपल कपाड़िया, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, उत्पल दत्त और मैक मोहन। फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, आशा भोसले, साधना सरगम और सलमा यागा ने। फिल्म को IMDb की ओर से 10 में से 4.9 की रेटिंग मिली हुई है और 68% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, अब बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, निर्देशक नरेश सहगल ने काफी लंबे समय बाद किसी फिल्म को निर्देशित किया। इस फिल्म से पहले साल 1977 में विनोद मेहरा अभिनीत फिल्म ऊपर वाला जाने का निर्देशन किया था। फैक्ट नंबर 2, पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर हुई थी लेकिन गोविंदा इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब गोविंदा की जगह राज बब्बर को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 3, धर्मेंद्र के ज्यादातर सीन अकेले उन्हीं पर फिल्माए गए थे और फिर एडिट करके अन्य कलाकारों के साथ जोड़े गए थे। फैक्ट नंबर 4, शत्रुघ्न सिन्हा ने महावीरा को अपने करियर की सबसे खराब फिल्म बताया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म साइन की क्योंकि राजकुमार पहले से ही फिल्म का हिस्सा थे। फैक्ट नंबर 5, धर्मेंद्र फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई किरदार में थे लेकिन एक साथ दोनों का कोई सीन नहीं शूट किया गया। धर्मेंद्र की मौत का सीन शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट के साथ शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 6, राजकुमार सलमा यागा के साथ अपनी आवाज में एक युगल गीत गाना चाहते थे लेकिन फिल्म के निर्माता को यह मंजूर नहीं था। तब राजकुमार को गाने के बजाय सिर्फ अपने संवाद सुनाने को कहा गया। फैक्ट नंबर 7, राज बब्बर और डिंपल कपाड़िया फिल्म में भाई बहन के किरदार में हैं और उनकी कहानी अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार से काफी प्रेरित है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में कुछ सीन के बाद धर्मेंद्र की मौत दिखा दी जाती है और यह देखने वालों को पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि धर्मेंद्र को एक विशेष उपस्थिति के रूप में श्रेय दिया जाना चाहिए था। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।